हेलो फ्रेंड्स, सुनील यादव टेच विजन हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं सुनील कुमार। दोस्तों, आज मैं एमएस पेंट के कुछ एडवांस फीचर एक्सट्रैक्टिव डिजाइन के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत कम ही लोग जानते होंगे। जैसे कि एमएस पेंट में स्नेक बनाना, एमएस पेंट में कोई भी कंटेंट में बहुत सारे कलर मिक्स करना, ये सब मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पे चलते हैं। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए एमएस पेंट ओपन करते हैं। देखिए दोस्त, एमएस पेंट ओपन हो गया। सबसे पहला हमने स्नैक डिजाइन बनाना बोला था, तो स्नैक डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ एक सर्किल हम लेंगे, ड्रॉ करेंगे। चलिए, ये सर्किल हमने ड्रॉ कर लिया, इसका कलर ब्लू रख दिया, और स्नेक का सांप है, उसका आंख बनाना होगा। तो चलिए यहाँ आंख बना देते हैं, फिर यहाँ आंख बना देते हैं, और इसका ओठ बना दिए। चल ठीक, अब इसके अंदर हम कोई कलर डाल देते हैं, ये शेप बन गए एक प्रकार से, शेप के अंदर कोई कलर डाल देते हैं। चलिए, ये कलर हमने इसके अंदर डाल दिया। अब दोस्तों, स्नेक डिजाइन बनाने के लिए यहाँ देखिए सेलेक्ट, इस सेलेक्ट में सबसे नीचे वाले ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, इस ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को लेना है। देखिए, इस ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन हमने ले लिया। देखिए यहाँ सही का टिक लग चुका है, मतलब ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन हमने ले चुका है। अब इसको रेक्टेंगल सिलेक्शन से सेलेक्ट करना है ये शेप को। चलिए, अब हमने सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए सेलेक्ट हो गया है। अब सबसे मेन पॉइंट यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इसको सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड में शिफ्ट बटन प्रेस किए रहना है, उसके बाद माउस में राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक होता है, जो कि हमको लेफ्ट क्लिक दबाए रखना है। लेफ्ट क्लिक हमने दबाए हुए हैं, और शिफ्ट को छोड़ देना है कीपैड से, शिफ्ट बटन को दबाए हुए उसके बाद छोड़ देना है, उसके बाद इसको ड्रैग करना है। देखिए सांप टाइप का हो गया, इसी प्रकार से सांप टाइप का होता है। अब फिर लेफ्ट क्लिक हटा दीजिएगा, दबाने पर से हटा दीजिएगा तो ये ड्रॉ नहीं होगा। फिर शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट दबाए रखना है और लेफ्ट क्लिक दबा देना है, उसके बाद शिफ्ट छोड़ देना है, फिर ऐसे कीजिए, ड्रैग कीजिए सांप वाले डिजाइन। सांप वाले डिजाइन बता चुका हूँ। अब चलिए मिक्स कलर के बारे में बताते हैं, कोई भी कंटेंट में मिक्स कलर। चलिए यहाँ से न्यू पेज हम ले लेते हैं। चलिए, नया पेज हमने ले लिया। चलिए मान लीजिए हम टेक्स्ट लेते हैं। टेक्स्ट ले लिया हमने, यहाँ पे कुछ लिखते हैं, जैसे हमने ये ले लिया। इस टेक्स्ट को हमको बहुत सारे कलर में मिक्स करना है, तो आप तो यहाँ से कलर मिक्स कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको ये कलर लेना है, कलर में ये कलर आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर फिल विथ कलर में क्लिक करने के बाद जो भी टेक्स्ट को कलर करना है उस पर लेफ्ट क्लिक कर दिया, वो उस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्या आप जानते हैं इसको तीन कलर में मिक्स कर सकते हैं ये सारे चीज को? अगर नहीं पता है तो देखिए, इसको तीन कलर में मिक्स करने के लिए जैसे कि हमने कंट्रोल जेड से वापस चले जाते हैं उस पेज में। चलिए, मैं यहाँ पे आ गया, और तीन कलर में इसको, चार कलर, जितना कलर में हम मिक्स करना चाहते हैं मिक्स कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ इरेजर पर क्लिक करना है, इरेजर लेना है, इरेजर पर क्लिक कर दिए। अब मेरा यहाँ जैसे ये ब्लैक कलर को हमको दूसरे कलर में डिवाइड करना है, तो यहाँ हमको पहले ब्लैक सेलेक्ट कर लेना है। ब्लैक कलर वन में ब्लैक हो गया, और कलर वन ब्लैक कलर जितना भी है उसको हमको दूसरा कलर रखना है, तो कलर टू में वो कलर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए ब्लैक, और कलर जो भी है उसको हमको हरा कलर लेना है या रेड कलर लेना है, तो रेड हम यहाँ कलर टू में रेड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए इरेजर यहाँ आ गया, इरेजर का साइज भी बड़ा करना है, कंट्रोल प्लस की बोर्ड में प्रेस करेंगे। देखिए इरेजर का साइज बड़ा हो गया, जितना बड़ा चाहे आप कर ले, कंट्रोल माइनस से छोटा होगा, कंट्रोल प्लस हमने इतना बड़ा कर लिया।
अब इसमें हमको कलर मिक्स करने दें। सबसे पहले मेन बात जो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे आपको राइट क्लिक, माउस का राइट क्लिक दबाए रखना है और ड्रैग करना है जिस तरफ प्योर कलर करना है। राइट क्लिक हम माउस का दबाए रखे हुए हैं और देखिए ड्रैग कर, देखिए दोस्त, देखिए ये इसमें रेड कलर डिवाइड हो गया, ऐड हो गया। इसमें भी करना है तो राइट क्लिक दबाए रखना है और ड्रैग करना है, देखिए देखिए हो रहा है। अब आपको दूसरा कलर लेना है, लाल नहीं, अब यहाँ पे दूसरा कलर मिक्स करना है। तो चलिए हम ले लेते हैं ब्लू, ब्लू ले लिए और देखिए यहाँ पे अब हम राइट क्लिक दबाएं, इसको ड्रैग करना है, देखिए ब्लू कलर। चलिए मान लीजिए अब आपको लेना है पीला, पीला कलर हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ राइट क्लिक करके दबाए रखना है, देखिए पीला कलर, यही मिक्स कलर होता है दोस्तों। हम बता चुके हैं मिक्स कलर और स्नेक डिजाइन के बारे में, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको रिप्लाई में इसका आंसर देंगे, सोल्यूशन बताएंगे। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और हाँ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू दोस्त वीडियो देखने के लिए। अब मैं दोस्त अगले वीडियो नोटपैड पे बनाऊंगा, एमएस पेंट का सारा मेनू टैब सारे ऑप्शन बता चुका हूँ। एमएस पेंट का अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे चैनल पे जाके एमएस पेंट का सारा वीडियो देखें, आपको सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। अब अगला वीडियो मैं नोट पैड के बारे में बताऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, अगला वीडियो जरूर देखिएगा।